नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम के होम्यो केयर पे। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कोविड हुआ था, यानी कि वो कोविड पॉजिटिव रहे थे पर अब वो ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या लक्षण या उनको कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही होंगी। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे पूरे शरीर में सुस्ती रहना, कमजोरी रहना, भूख ना लगना और दर्द रहना शरीर में, या कफ बना रहना। तो ये सारे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कोविड के बाद भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे पहचाने और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है? साथ ही साथ आप ये दवाइयाँ माइल्ड कोविड केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको या किसी को कोविड हुआ हो और उनमें ज़्यादा सिम्टम्स ना हो, एक आध सिम्टम्स मिल रहे हो आपको और इतने सीवियर सिम्टम्स भी ना हो, और आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी ना किया गया हो, घर पे ही रह के आपको ध्यान रखने बोला गया हो, क्वारंटीन रहने बोला गया हो, और आपको कुछ अगर दवाइयाँ दी गई हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, तो उनके साथ साथ आप इन होम्योपैथिक दवाइयों को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिकवरी है वो फास्ट हो और आप जल्दी ही कोरोना से ठीक होकर बाहर निकलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं जो भी दवाइयाँ बताने वाली हूँ वो मैं इन जनरल आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी इसमें से दवाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले अपने कोई नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई दवाई यूज़ करना शुरू करें। तो अगर आपको कोविड के दौरान या कोविड के बाद सूखी खांसी बनी रहती हो गले में, साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ होती हो और एक अजीब सा कड़वा सा टेस्ट मुंह में बना रहता हो, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है ब्रायोनिया अल्बा 30। तो ब्रायोनिया अल्बा 30 अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो आप इसको 2-2 घंटे के गैप में ले सकते हैं। डायरेक्टली 2 बूंद अपने टंग पे डाल लीजिए, और अगर कफ ज़्यादा नहीं है तो आप इसको दिन में 3 बार ले, 2-2 बूंद करके। अगली दवाई है सेलेनियम 30। तो अगर आप कोविड से ठीक हो गए हों लेकिन फिर भी आपके पूरे शरीर में थकान बनी रहती हो, साथ ही साथ कुछ काम करने का मन ना करे, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। सेलेनियम 30 को दिन में 3 बार लेना है, डायरेक्ट 2 बूंद टंग पे ले लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो अगला जो सिम्टम है वो बहुत कॉमन है और बहुत सारे कोविड पेशेंट के रिकवरी के बाद ये समस्याएं देखी गई हैं, जो कि है पूरे शरीर में डलनेस रहना, ड्राउजीनेस रहना, यानी कि आपको पूरा टाइम लेटने का मन करेगा या नींद आएगी, वीकनेस रहना पूरे शरीर में, साथ ही साथ बॉडी गर्म रहना, कभी कभी थोड़ा फीवर आना। तो इस केस में आप ले सकते हैं जिलसीमियम 30। जिलसीमियम 30 आप दिन में 3 बार लें, डायरेक्टली 2 बूंद टंग पे डाल लें। कोविड के दौरान एक बहुत ही कॉमन सिम्टम सामने आया था जो कि था लॉस ऑफ टेस्ट। तो अगर आपको ये समस्या हो रही है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है पल्सेटिला 30। तो पल्सेटिला 30 भी आपको दिन में 3 बार लेनी है, 2-2 ड्रॉप लेनी है, डायरेक्टली अपने टंग पे डाल लीजिए। तो अगली दवाई है आर्सनिक एल्बम 30। तो जी हाँ, मैंने आपको आर्सनिक एल्बम 30 एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी बताया था, और ये आर्सनिक एल्बम बहुत अच्छी काम करती है पोस्ट कोविड सिम्टम्स में भी। तो ये दवाई आप उन लक्षण में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको बॉडी में टायर्डनेस हो रही हो, वीकनेस हो रही हो, साथ ही साथ एक घबराहट बनी हो, बुखार भी आया आपको, तो आप आर्सनिक एल्बम 30 यूज़ कर सकते हो दिन में 3 बार, 2-2 बूंद। साथ ही साथ आर्सनिक एल्बम 30 आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कोविड से रिकवर होने के बाद, क्योंकि आपने देखा ही है कि कोविड से ठीक होने के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, जिसके कारण और भी जो बीमारियां हैं जैसे कि ब्लैक फंगस या वाइट फंगस, वो भी आपके शरीर पे अटैक करती हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी तब बनी रहे, तो इसके लिए आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ करें। तो अगली दवाई है मैकफॉस 30। तो मैकफॉस 30 आपको तब यूज़ करना हो जब आपके शरीर में दर्द बना रहता हो, जोड़ों में या आपके किसी मसल में दर्द हो, साथ ही साथ क्रैम्प आ जाता हो, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है। तो मैकफॉस 30 आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है, 2-2 बूंद। अगर आपको दर्द ज़्यादा बना हो तो आप इसका प्रयोग 2-2 घंटे के गैप पे भी कर सकते हैं। तो अगली दवाई है अल्फा अल्फा मदर टिंचर।
तो अगर आप कोविड से ठीक होने के बाद आपको भूख ना लगती हो और आपका वेट धीरे धीरे कम होते जा रहा हो, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो पा रहा हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या पेट फूल जा रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और धीरे धीरे आपको वीकनेस होते चला जा रहा है, तो इस केस में आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर ले सकते हैं। इसको लिक्विड फॉर्म में ही लिया जाता है। हाफ कप पानी ले, उसमें 15 से 20 बूंद अल्फा अल्फा मदर टिंचर के डालें और उसको पी लें। ऐसे ही आपको ये दिन में 3 बार लेनी है। मैं आपको बता दूं कि अल्फा अल्फा टॉनिक भी आता है, ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसको आप जनरल टॉनिक भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ऐसे ही बहुत सारे विटामिन रहते हैं। साथ साथ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी रहते हैं जिससे आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, वो उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट होने में। तो जो अल्फा अल्फा टॉनिक है वो सब बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, जिन्हें भी भूख लगने की समस्या हो या फिर वो खाना खाते हो लेकिन उनके शरीर को खाना ना लगे या फिर उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है ये सब चीज़ों में। तो अल्फा अल्फा टॉनिक अगर आप ले रहे हैं तो इसको आपको दिन में 3 बार लेना है। बड़े इसको 80 ml ले दिन में 3 बार, 80 80 ml ले। और अगर बच्चों को आप ये दे रहे हैं तो उनको भी दिन में 3 बार देना है, लेकिन उनको 40 40 ml करके ये देना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी किसी भी टॉपिक पे के बारे में वीडियो बनाऊं या उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो बनाऊं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।